और दिल्ली में कल बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और इसमें बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को एनडीए से नाता तोड़ लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, नई कैबिनेट के साथ बैठक की। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में बिहार की राजनीति में हुए बदलाव का मंथन किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इसमें गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, नित्यानंद राय समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष की भूमिका और उनके उठाए जाने वाले मुद्दे, बिहार बीजेपी के एक नए प्रमुख के चयन, विधानसभा और विधान परिषद में LOP के चयन और पार्टी के प्रमुख पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं के मुताबिक इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की भावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी ने नई नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज 2 लौट आया है और पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। यह जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है, यह जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है और लालू राज को पुनः वापसी करने का एक पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है।